फ्रेंड ओसिन लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। तो आज मैं पास्ता बनाने की विधि आपको बता रही हूँ। तो आज आप देखिए किस तरह बनाना है। सबसे पहले मैं गर्म पानी कुकर में बॉईल किया है और उसके बाद हम मैं इसके अंदर ये पास्ता डाल दिया है और उसको 2 से 3 मिनट 5 मिनट तक मैं बॉईल करके उसके बाद निकाल दूँगी। ये उबल चुका है और मैं इसे गैस बंद करके इसके अंदर इस तरीके से, आपके पास कोई भी छन्नी हो ऐसे डाल के इसमें के अंदर नीचे पानी निकल जाएगा। पास्ता बनाने के लिए मुझे जो सामान चाहिए वो बता रही हूँ मैं। लाल मिर्च साबुत, जीरा, अदरक कटा हुआ, अगोल मिर्च, इलायची और लौंग, ये सारे को हम हल्का सा फ्राई करके कूट देंगे। और ये प्याज है या कटा हुआ है, टमाटर, इसको भी हम थोड़ा थोड़ा क्रश कर देंगे। इसको मिक्सी में नहीं पीसना है, नहीं तो बहुत ज़्यादा पेस्ट हो जाएगा। इसको क्रश कर देंगे। डाली हूँ, इसके बाद थोड़ा सा मैंने कड़ी पत्ता लिया है, प्याज और टमाटर को मैंने क्रश करके रख दिया था। इसमें हम मसाला जो कूट के डाला हुआ था, लौंग, इलायची, गोल मिर्च, जीरा और मिर्ची, अदरक, वो मैं डाल रही हूँ। उसके बाद मैं धनिया पत्ता डाल रही हूँ, पाउडर, इसमें ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा हिसाब से, पास्ते के हिसाब से हमने इसमें नमक डालना है। तो मैं 2 चम्मच छोटे चम्मच से नमक डाल दिया है, तो 3 मिनट तक डालेंगे। अब मैं इसमें पास्ता डाल रही हूँ। ये पास्ता तैयार है।